हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए और अपने पास व्यंजक दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो अब देखिए, यहां पर अपने पास साइन इनवर्स है और यहां साइन है, तो गलती क्या कर सकते हैं कि हम सीधे एक बार में हटा देंगे और 2π/3 आंसर बोल देंगे, जो कि ये पूरी तरीके से गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स तभी होगा जब अपने पास एक्स माइनस पाई बटे दो से लेकर पाई बटे दो होगा। यह आपने इस अध्याय में पढ़ा था फॉर्मूले में। तो अब यहां पर देखिए, एक्स अर्थात ये 2π/3 है यहां पर, तो 2π/3 देखिए क्या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है? तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं, ये इसके बीच में तो नहीं है। अर्थात मुझे 2π/3 इस फॉर्मूले को या साइन 2π/3 को कुछ ऐसा लेके आना है कि यहां पर जो भी कोण बने वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहे। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन, अब मैं 2π/3 को लिख सकता हूं कि पाई माइनस पाई बटे तीन। तो चलिए मैंने ये लिख दिया। अब यहां से आप देखिए कि यहां से साइन इनवर्स, अब साइन पाई माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है, ये आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, ये आपने पढ़ा था साइन थीटा के बराबर होता है त्रिकोणमिति में क्लास 11 में। तो अपने पास ये हो जाएगा साइन पाई बटे तीन। अब यहां साइन इनवर्स है और यहां साइन है, तो अब क्या मैं हटा सकता हूं? तो अब देखिए, ये अपने पास कोण दिखना होता है, ये पाई बटे तीन आप देखिए कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में जो आता है, अतः यहां पर हम सफलतापूर्वक इसको हटा सकते हैं। तो अपने पास पाई बटे तीन बचेगा। तो इस तरीके से इस व्यंजक का मान पाई बटे तीन हो जाएगा। चलिए, एक तरीका तो ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके पर पढ़ते हैं इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न को अब हम दूसरे तरीके से हल करेंगे, तो मेथड टू लिख देते हैं। अब आप देखिए कि ये अपने पास साइन इनवर्स साइन 2π/3 था, तो सबसे पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूं। तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका मान हम बहुत आसानी से जानते हैं, ये अपने पास हो जाएगा अंडर रूट का 3/2। अब ये देखिए कि ये सवाल मेरे पास बहुत ही बेसिक बन चुका है। चलिए मैं इसको x बोल देता हूं, तो बेसिकली अब मुझे x का मान निकालना है। तो अब देखिए, दोनों तरफ यदि मैं साइन लूंगा तो मेरे पास बचेगा साइन एक्स बराबर अंडर रूट का 3/2। तो यहां मेरे को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई बटे दो से लेकर पाई बटे दो होता है, अर्थात मुझे एक्स ऐसा सोचना है जो माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो के बीच में रहे और उसका साइन लेने पर अंडर रूट 3/2 होना चाहिए। तो वो मेरे को मिलेगा 60 डिग्री, या मैं रेडियन में बोल सकता हूं पाई बटे तीन। तो इस तरीके से पाई बटे तीन अपने पास आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस सवाल को दोनों मेथड से सीख लिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में हमें दिया हुआ है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए और व्यंजक अपने पास दिया हुआ है टेन इनवर्स टेन 3π/4। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अपने अध्याय में कि टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स तभी होगा जब एक्स माइनस पाई बटे दो से लेकर पाई बटे दो के बीच में हो, जहां माइनस पाई बटे दो और पाई बटे दो सम्मिलित नहीं होने चाहिए। तो क्या आप इसको डायरेक्ट टेन से टेन इनवर्स हटा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या हम हटा सकते हैं या नहीं। तो आपको इसको पहचानने की जरूरत है, क्या ये माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो के बीच में है? आप देखेंगे कि 3π/4 तो इसके बीच में आता ही नहीं है, अर्थात हम यहां पर डायरेक्ट हटा नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले मेथड वन से सीख लेते हैं। आप देखिए, यहां पर आप लिखेंगे टेन इनवर्स, अब आप इसको कुछ ऐसे कोण में बदलने की कोशिश करेंगे जो माइनस पाई बटे दो से पाई बटे दो के बीच में आता हो। तो देखिए, आप लिखेंगे टेन ऑफ 3π/4 को आप आसानी से लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बटे चार। तो आपने ये लिख दिया, तो ये टेन इनवर्स हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में और पढ़ा था कि टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, अपने पास माइनस का टेन थीटा होता है,
तो चलिए इस फॉर्मूले का मैं इसमें उपयोग करता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा माइनस का 10 पाई बटे 4। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था इस माइनस साइन को बाहर निकालने के लिए कि 10 इनवर्स माइनस एक्स, अपने पास माइनस का 10 इनवर्स एक्स होता है। तो चलिए अब हम इस वाले फॉर्मूले को यहां पर उपयोग में लाएंगे। तो देखिए माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस 10 इनवर्स 10 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या मैं इस 10 इनवर्स और 10 को हटा सकता हूं, तो मुझे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि पाई बटे 4 माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में आता है या नहीं। तो आप पाएंगे कि हां पाई बटे 4 तो इसके बीच में आता है, अर्थात मैं यहां पर हटा सकता हूं, तो मेरे पास ये माइनस तो बचेगा ही और ये अपने पास पाई बटे 4 बच जाएगा। इस तरीके से माइनस पाई बटे 4 इस व्यंजक का मान हो जाएगा। तो अभी तक मैंने मेथड 1 से इस सवाल को देख लिया, अब मैं मेथड 2 से इस सवाल को हल करता हूं। तो चलिए लिख देते हैं मेथड 2। अपने पास सवाल था 10 इनवर्स 10 3 पाई बटे 4। तो मेथड 2 में हम इसके जो अंदर ये वाला मान लिखा होता था इसको हम निकाल देते थे। तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा 10 इनवर्स 10 3 पाई बटे 4, या मैं बोल सकता हूं 10 135 डिग्री, उसका मान अपने पास माइनस 1 हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे 10 इनवर्स माइनस 1 को सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इसको x मान लेता हूं, अर्थात अब मुझे केवल x का मान निकालना है और वही मेरा इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ 10 ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 1 बराबर 10x। ध्यान रखना है कि 10 इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 होता है, जहां माइनस पाई बटे 2 और पाई बटे 2 पर ओपन अर्थात खुला अंतराल होना चाहिए, अर्थात मुझे x का ऐसा मान चुनना है कि वो माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में भी रहे और जिसका 10 लेने पर माइनस 1 भी आ जाए। तो ऐसा मान अपने पास x बराबर माइनस पाई बटे 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर माइनस पाई बटे 4 यहां पर आंसर हो गया। अच्छा, x का मान और यहां जो 10 इनवर्स माइनस 1 आएगा, और ये बेसिकली अपने पास यही प्रश्न ही था, तो x का मान ही यहां पर अपने पास आंसर हो गया है।